भागने दिए, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए भगवान थे और दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे। बचपन से लेके आज तक मुझे बेटा ही कह के बुलाते रहे, बेटी होने का कभी एहसास ही नहीं दिया। हर चीज़ मांगने से पहले देते थे मुझे और हर किसी के लिए बहुत अच्छा करते थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे पापा ने मेरे लिए किया है। मैंने तो एक छोटा सा फर्ज अदा किया है और बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए मैं अपने पापा की बेटा थी सदा और हमेशा बेटा रहूँगी। नाम क्या है? मेरा नाम रचना जायसवाल है, प्रमोद कुमार जायसवाल की बेटी हूँ मैं। उनको क्या हुआ था? बीमार थे, काफी टाइम से बीमार थे, कमजोर हो गए थे। हमने हर वो कोशिश करी लेकिन नहीं बचा भाई। मैं अपने पापा को धाम सुनते हूँ। भाई लोग क्यों नहीं आए आपका भाई? क्या बोलूँ भाई, क्यों नहीं? सबको प्रॉपर्टी चाहिए था, पापा किसी को नहीं चाहिए था। मुझे पापा चाहिए थे इसलिए मैं पापा के साथ हूँ। आज नरकटियागंज में एक लड़की के द्वारा अपने पिता को मुख अग्नि दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लड़का और लड़की का फर्क जो है वो समाज में नहीं है। लड़का और लड़की दोनों को समानता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। यही कारण है कि आज नरकटियागंज की धरती पर पहली बार किसी लड़की ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है। हम लोग उस अंत्येष्टि में शामिल थे और एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि समाज में लड़की और लड़का को एक ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो मृतक के परिवार में पुत्र भी, उनके पुत्र भी तो थे? जी, मृतक के परिवार में उनके पुत्र थे लेकिन वो लोग अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो सके हैं किसी कारणवश, जिसके कारण लड़की को मुखाग्नि देना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश कुमार, पूर्व सभापति नगर परिषद। उनके व्यवहार को प्रमोद कुमार बहुत अच्छे आदमी थे। कुल मिलाकर वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चियों के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन जो है व्यतीत कर दिया और अपना जितना भी उसने कष्ट उठाया, अपने शरीर से कष्ट उठाया, बच्चों को तकलीफ होने नहीं दिया था। पुत्री को मुख अग्नि देने का क्या कारण हो सकता है? कारण कि अब पुत्र लोग नहीं पहुंचा तो एक व्यवस्था है, कौन देगा मुख अग्नि? आखिर मुख अग्नि बेटा देता है और पिता के मरने पर बड़ा लड़का जो है वही मुख अग्नि देता है और माता के मरने पर वो सबसे छोटा लड़का जो होता है वही मुख अग्नि देता है। परंतु पुत्र लोग को नहीं आने से अब तो एक बहुत बड़ी साहस की बात है, बहुत बड़ी एक उसकी हिम्मत की बात है जिसने अपने इस कार्यक्रम को उसने अपने हाथों से संपन्न किया है। यह बहुत बड़ी खूबी है और इन्हीं बातों को लोग आज समझे कि कम से कम लड़का और लड़की में क्या अंतर है। अंतर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लड़की भी उतना ही मान और सम्मान के लायक है, लड़का भी तो उतना ही मान और सम्मान के लायक है। यह बात बच्चों को समझना चाहिए, लड़के लोगों को समझना चाहिए कि माता पिता जो है अपना संपूर्ण जीवन उनके लालन पालन और उनके सजाने संवारने में अपना व्यतीत कर देता है। धन्यवाद। हेलो।